कोरोना के वधे हुए मामलों को देखते हुए बीती शुक्रवार की रात को पंजाब सरकार ने स्कूलों प्रति नवे हुक्म जारी कर दिए, जिसन जिला लुधियाना के सारे ही सरकारी स्कूलों वालों बड़े ही सुचजे ढंग सिरे चाड़िया जा रहा है। सिक्ख्या मंत्री विजय इंद्र सिंगला वालों पंजाब के स्कूलों में पहली जमात तो लैके नौवीं जमात तक बच्चों के ना आने के हुक्म हैं। उधर बोर्ड दमातों वाले बच्चों दोर्ड दीख्यावान भी शुरू हैं। इस संबंधी पिंड गिल के सरकारी कन्या सीनियर सैकेंडरी स्कूल की प्रिंसीपल ने जानकारी साझी करते हुए दसिया कि सरकार के हुक्मों मुताबिक ही बोर्ड दीख्यावान लिया जा रही हैं और छोटी जमात के बच्चों सरकार के अगले हुक्म आने तक की छुट्टी कर दी गई है। इस मौके देखने मिले कि जिन्हों बच्चों दोर्ड दीख्यावान हैं वह भी करोना के मद्देनज़र सरकार के हुक्मों की पालना करते हुए मास्क पा के आपसी समाजिक दूरी रख के स्कूल अंदर दाखिल हुए। सत श्री अकाल जी, मैं सुरजीत सिंह, तुसी देख रहे हो केडीटी न्यूज़। जिदा कि सरकार दी हदायतां जो दोबारा एक बार फिर तो स्कूल बंद कर दिए गए ने बच्चों के वास्ते, पर स्टाफ बुलाया गया शुक्रवार देर रात मैसेज जो आया सी और सारे स्कूल वालों को हदायतां मिली ने, चाहे सरकारी ने चाहे प्राइवेट ने। उस संबंध में अज साडे नाल सरकारी कन्या सीनियर सैकेंडरी स्कूल जो पिंड गिल दे विच मौजूद है, उत्थे दे साडे प्रिंसीपल जिहड़े ने उह साडे नाल मौजूद ने। उन्हां नाल गलबात करदे किदां दी सरकार वल्लों हदायतां मिलियां ने कि बच्चों ने कि क्लास के बच्चे आ रहे हैं जी नहीं आ रहे, उन्होंने गलबात कर लेने साडे नाल मौजूद ने। मैडम मैम सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर। मैम किस तरह दीयां हदायतां सरकार वल्लों तुहानूं मिलियां ने, किहड़े-किहड़े बच्चों ने आना है जां नहीं आना, उहदे बारे थोड़ी जानकारी दिओ। क्योंकि प्रेजेंटली जो कोविड की सिचुएशन चल रही है उन्होंने देखते हुए सरकार वालों एक बड़ा अच्छा उपराला किया गया, जिदे विच क्यों जो पेपर इस हफ्ते तो स्कूल दे शुरू होने से उन्होंने दो शिफ्टां दे विच कर दिता गया, मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट। असी अपने स्कूल दे कंफर्ट जोन नूं देखते हुए थोड़ा जिन्हां दे विच फ्लक्चुएशन किया, क्योंकि मेरे को 1800 बच्चा है तो शिफ्ट वाइज भी वो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सो इस करके असी मॉर्निंग का टाइम 9 बजे की जगह 8:30 कर दिता, ताकि असी 9 बजे तक पेपर शुरू कर सकी है। पहली शिफ्ट का पेपर दे के जब तक बच्चे पहले बच्चे बाहर भेजेंगे और अगली शिफ्ट वास्ते द्वार तो सैनिटाइजेशन करांगे ते सेकंड शिफ्ट के बच्चे बिठावांगे, तद तक 3:30 बजे तक होपफुली असी ये दोनों शिफ्टां जिहड़ियां वो कवर कर पावांगे। सो वेयर एज द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट आर कंसर्न, सानू फ्राइडे लेट नाइट ये चीज़ पता चली सी जिहड़ी असी वट्सएप ग्रुप्स के बच्चों के पाई भी कि बच्चों स्कूल आन ते मतलब उन्हां दी क्लासेस लगन ते मनाही कर दित्ती गई है और उन्हां नूं एक तरह प्रेपरेटरी कर दित्ती गई है। बाकी सारे स्कूल दे तां एग्जाम्स अज तो शुरू ही हो गए हैं, सिर्फ बोर्ड क्लासेस हैं। 12th अगले हफ्ते तो शुरू हो जाएगी और 10th जिहड़ी है वो 9th अप्रैल तो है। हले असी थोड़ा जिन्ना इस शशोपंच च हाँ कुछ कलैरिटी नहीं हो पाई है कि क्या बच्चे 9 अप्रैल तक जब तक उन्होंने पेपर हैं 10th वास्ते क्या वो बच्चों प्रेपरेटरी रहनगे। वी आर वेटिंग फॉर दिस थिंग, अगर कोई इंस्ट्रक्शन इस तरह की आदि हैं, अदरवाइज़ असी बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप्स के कॉन्टैक्ट के हैं और लगातार उन्होंने टेस्ट और उन्होंने मोनीटरिंग वो सब कुछ कर रहे हैं, सो दैट वो इन्ने लंबे समय के आउट ऑफ टच ना हो जाए पढ़ाई के नाल। रेस्ट एवरीथिंग इज़ ओके, सारी सैनिटाइजेशन की जा रही है, मास्क सब बच्चों ने लगाए हुए है, सैनिटाइज किया जा रहा है बच्चों के हैंड्स नूं भी, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखी जा रही है जिन्ना पॉसिबल हो सकता है क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा। हालांकि डिपार्टमेंट ने मॉर्निंग ईवनिंग किया पर साढ़े को एक शिफ्ट के भी बच्चा अपीयर होने वाला बहुत ज़्यादा है। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਨੌਵੀਂ ਤੱਕ, ਕੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਨੌਵੀਂ ਤੱਕ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੀ ਮਾਈ ਸਕੂਲ ਐਵਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ 6 to 12, ਸੋ ਵਟ ਵੀ ਕੈਨ ਬੀ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਿਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਬਰੀਫ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਫੋਰ 6 to 12। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋਇੰਗ ਇਟ ਬੈਟਰ। ਓਕੇ ਜੀ।